अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आपने वीडियो तो देख ली है। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ T4 तमाशा की टीम का और जो एंकर है उनका कि उन्होंने मुझे इजाज़त दी अपनी वीडियो का क्लिप यूज़ करने के लिए। अच्छा, आपने पूरा क्लिप देखा आपने कि जिस तरीके से उन्होंने बोला हाँ मैं 40 लाख का खरीद लूँगा, तो सबसे पहले एंकर ने उनको ऊपर से नीचे तक देखा कि 150 रुपये की तेरी शर्ट की औकात नहीं और तू आ गया यहाँ 40-45 लाख की बातें करने। यार माँ बाप ने तमीज सिखा के नहीं बैठा, ये कौन सा फ्रीलांसर है भाई? तू क्या चीज़ फ्रीलांसर कर रहा है, किस चीज़ का शौक पाल लो ये फ्रीलांसिंग में? अस्तग़फ़िरुल्लाहिल अज़ीम। फिर वो साहब खड़े होके, जो बड़े बुजुर्ग आदमी खड़े होके बोल रहे हैं कि बेटा आपने, उन्होंने बर्मला आपको मुंह पे बोल दिया कि आपने मंडी महंगी कर दी है, तो आप उनसे भी जहालत की बातें कर रहे हो, उनको गिनवा रहे हो कि जी आप एक मरतबा एक इतना छोटा सा मीठा सा बच्चा वहाँ पे खड़ा होके बोल रहा है। आप देखें जी ट्रॉलर आता है, उसके अंदर ट्रॉलर के तो 1.5 लाख रुपए ले लेते हैं, तो भाई 1.5 लाख रुपए नहीं ले लेते, उस ट्रॉलर के अंदर 30 से ज़्यादा माल आता है, पर जानवर के हिसाब से डिवाइड करोगे ना, तुम्हारे घर में इतने का नहीं पहुंच रहा जानवर, जितने का उससे कम में वहाँ से आ रहा है जानवर। तो भाई हर किसी से बहस नहीं करते, मीठे मीठे ही रहते हैं, अपनी गैदरिंग में रहा करो, समझ आई बात? बाहर नहीं निकला करो उस गैदरिंग के। और पता नहीं यूपी वाले यूपी मोड़ पे कहाँ से आ गए यार ऐसे लोग। खैर अल्लाह माफ़ फरमाए। 40 लाख रुपए, जब मेरा उनसे यही सवाल है, बस इतना सा एक सवाल है, जब आपके पास 40 लाख रुपए थे तो अम्मी और अब्बू को हज पे क्यों नहीं भेजा? वो भी तो फरीदा है, हैं? वहाँ जाके 15-15 लाख रुपए, 30 लाख रुपए का हज होता, एक 10 लाख रुपए का VIP ऐसा ऊँट, शानदार ऊँट, उसकी कुर्बानी कर लेते वो वहाँ जाके। तूने अपनी शोबदेबाजियाँ करनी थी यहाँ पे, तूने लॉन्डो को दिखाना था देखो मैं हूँ फ्रीलांसर का 14, और उसके बाद जो है वो मैं यहाँ शोबदेबाजियाँ करूँगा, बच्चियों को दिखाऊँगा जानवर और ये करूँगा, यही करना था तूने भाई, तूने कुर्बानी नहीं करनी थी, तू किसी और चीज़ से दिखावा कर लेता ना, डाले में डाले वाला शक्ल है तेरी, हैं? अजीब से मुँह के, तेरे मुँह ही नहीं गवाही दे रहा कि तू पैसा वाला आदमी है। डाला धोने वाला लग रहा है। हाँ तू डाले वाला नहीं लग रहा भाई, तू डाला साफ करने वाला लग रहा है। डाला तू लेकर आया होगा किसी का, लेकिन वो साफ करने के लिए, तो भाई अल्लाह से खौफ करो, बड़ों के मुंह नहीं लगते। वो बड़ा तुम्हें एक सही बात बता रहा है, तुम उसकी बात को मान ही नहीं रहो, अपनी जहालत पे कायम हो यार, ये सब नहीं करो भाई अल्लाह के वास्ते। हज भी दीन का दीन में फर्ज है ना यार, दीन का रुकन है यार हज। वहाँ जाओ, भेजो, खुद जाओ, अपनी बेगम को लेके जाओ, अपने भाई बहनों को लेके जाओ, उनको हज कराओ। जब ये तुम्हें अल्लाह ने इतनी इस्तेदाद दे दी है, अल्लाह माशाल्लाह, मैं तुम्हारी किसी कमाई पे नज़र नहीं है भाई, समझ आई बात? अपना IT का ऑफिस रन करता हूँ और शानदार करता हूँ, लेकिन दिखावे में नहीं पड़ रहा भाई, यही तो मैं कब से बोल रहा हूँ, ये दिखावे से बचो, अल्लाह के वास्ते दिखावे से बचो, मकसद की तरफ लौटो, जो कुर्बानी का मकसद है, एक्चुअल मकसद है, उसकी तरफ लौटो यार। ये 40-40 लाख, 45-45 लाख रुपए के जानवरों के चक्कर में कहाँ पड़ गए हो भाई? अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कर दिएगा यार।